तो चलो आज ड्रॉ करेंगे एक बर्थडे केक। सबसे पहले एक स्टैंड बनाएंगे और इसके ऊपर एक बड़ा ओवल शेप जिस पर होगा हमारा केक। अब केक की आउटलाइन ड्रॉ करो। पहली लेयर पर ड्रिपिंग चॉकलेट का शेप और उस पर ऐसे स्ट्राइप्स बनाओ। अब दूसरा लेयर होगा थोड़ा छोटा, इस पर भी आइसिंग और कर्वी स्ट्राइप्स। अब बारी है आखिरी लेयर की। ओह, ये तो अभी से ही कितना यम्मी दिख रहा है। अरे दोस्तों, कैंडल्स लगाना मत भूलना। हमारे केक पर होगी दो कैंडल्स। परफेक्ट। अब पेंटिंग शुरू की जाए। सबसे पहले लेंगे सिल्वर जो जाएगा केक के स्टैंड पर। कॉर्नर पे थोड़ा सा ग्लिटरी पीच कलर, पहली स्ट्राइप में चमकीला पर्पल और नेक्स्ट चमकीला येलो। ग्रीन कलर से छाई हरियाली, पिंक कलर की बात है निराली। इसके बाद मेरा फेवरेट कलर ब्लू, यूहू। और फिर आखिर में पीच कलर, बहुत अच्छे। चॉकलेट होती है ब्राउन, इसलिए आइसिंग पर जाएगा ब्राउन कलर। अब दूसरी लेयर को भी रंगीन बनाएं। जो कलर पैटर्न हमने पहली लेयर में लिया था उसी को रिपीट करेंगे, यानी स्पार्कलिंग पर्पल, येलो, ग्रीन, पिंक और लास्ट में ब्लू। क्या बात है, आइसिंग होगी ब्राउन। अब तीसरी लेयर में भी उसी कलर पैटर्न को रिपीट करेंगे। तो बोलो मेरे साथ, पर्पल, येलो, ग्रीन, पिंक और आइसिंग के लिए ब्राउन। चलो अब कैंडल्स की बारी। इसमें होगा शाइनी ब्लू और रेड। कैंडल की फ्लेम्स होगी स्पार्कलिंग येलो कलर की। हुर्रे! रेडी है हमारा यम्मी यम्मी बर्थडे केक। फिर मिलेंगे, बाय बाय।